हाउ इज अब अगला संडे फिर से आने वाला है और कई सारे स्टूडेंट्स को इस संडे का फिर से इंतजार होगा क्योंकि आप देख रहे हैं कि कोटा पल्स बाय अन अकेडमी चैनल पर हम लगातार हर संडे पिछले तीन चार संडे से बड़े बड़े धमाके कर रहे हैं जिसमें हम बहुत हाई वेटेज टॉपिक मॉडर्न फिज़िक्स थर्मल फ़िज़िक्स जोमेटिकल ऑप्टिक्स को कवर कर चुके हैं अभी कुछ दिन पहले स्टूडेंट्स से एक डिमांड पूछी गई थी और बताइए ऐसा कौन सा टॉपिक है जिसमें आपको चैलेंज फेज होता है तो उसमें कई सारे स्टूडेंट्स की बहुत सारी डिमांड आई और उन डिमांड को सुनने के बाद फिर हम लोगों ने बैठ कर के प्लानिंग करी तो रोहित सर अब ऐसा क्या धमाकेदार सेशन होने वाला है इस संडे को थोड़ा सा एलेबोरेट करिए सर बिल्कुल सर देखो बच्चों अभी तक के जितने भी हम लोगों ने सेशन लिए वन शॉट लिए और बहुत ही फ्रूटफुल मिला बच्चों को रिजल्ट तो इस संडे हम एक ऐसा टॉपिक लाने वाले हैं सर जो मानता हूँ कि आ, मुझे लगता है कि ट्वेल्थ वाले बच्चे का सबसे ज़्यादा टेम्पटिंग टॉपिक है क्योंकि वो बच्चा Uh, काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन में रहता है उस टॉपिक को लेके तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है साथ ही एक इंफॉर्मेशन और है कि वो टॉपिक उसमें से कुछ टॉपिक पहले सिर्फ मेंस में हुआ करते थे अब उसको एडवांस में भी एड ऑन कर दिया है तो बच्चों के लिए तो ये एक डबल धमाका है कि बच्चे को पूरा का पूरा कंटेंट मिल जाएगा एक ही जगह पर और चाहे बच्चा मेंस पे फोकस करे या एडवांस के लिए भी उस वीडियो को यूज़ करना चाहे यूटिलाइज करना चाहे तो उसके लिए बहुत फ़ायदा होने वाला है तो बच्चों आप गैस कर सकते हो क्या तो सर राहुल सर आप रिवील कीजिए बच्चों को जरा बताइए कौन सा टॉपिक हम लोग करने वाले आप सोचिए एक बार कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए कि आपको क्या लग रहा है कि अभी हम कौन सा टॉपिक यहाँ पे अनाउंस करने वाले हैं वैसे बच्चों ने सर सबसे ज्यादा वेटेज उसी टॉपिक को दिया था जो जैसे जोमेट्रिकल ऑप्टिक्स के बाद जो दूसरे नंबर का आप लोगों ने वोटिंग की थी टेलीग्राम चैनल पर हमारे वो उसी टॉपिक की की थी तो मैं आपको बता दूं एक ऐसा टॉपिक जिसमें सर हमने जनरली अपने ऑफलाइन एक्सपीरियंसेस में फील किया कि स्टूडेंट्स को काफ़ी चैलेंज फेस होते हैं और वो टॉपिक है वेव ऑप्टिक्स वेव ऑप्टिक्स मैं आपको बता दूं वन ऑफ द सिंपलेस्ट चैप्टर्स में से एक है अगर आप एक बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ते हैं तो अब हम संडे को जो सेशन लेकर के आ रहे हैं उस सेशन में हम पूरा वेव ऑप्टिक्स के साथ साथ आगे जो एडिशनल टॉपिक्स हैं लाइक डिफ्रेक्शन पोलराइजेशन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को भी कवर करने वाले हैं लेकिन मैं एक आपको एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि यहाँ पर इस बार हमने काफ़ी डिटेल एनालिसिस करी है जैसा कि आपको पता है कि हम मेगा सेशंस में करते हैं थोड़ा सा हमारा रिवर्स प्रोसेस है हमने लास्ट टू टू थ्री इयर्स के जेई मेंस के पीवाईक्यूज देखे और पीवाईक्यूज देखने के बाद जो टॉपिक्स काफ़ी ज़्यादा हाई वेटेज हैं या हम ये कह सकते हैं जिस पर्टिकुलर प्रोफाइल पर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो अब हमने अपनी थ्योरी इस तरीके से प्रिपेयर करी है कि आपको वेव ऑप्टिक्स पॉइंट टू पॉइंट इतना पढ़ाएँ कि आप जब जेई मीन्स कि अप्रैल पे फोकस करें तो आपसे ऑलमोस्ट सारे के सारे नोमरिकल्स हो जाए तो सर और बताइए क्या जबरदस्त प्लानिंग के साथ उतरने वाले हैं बच्चों देखो जैसा कि राहुल सर ने भी बताया कि हम लोगों ने बिल्कुल सिस्टमेटिक कर चुके हैं तो बिल्कुल जेई ओरिएंटेड एकदम बिल्कुल अपकमिंग जेई मेंस ओरिएंटेड हम लोग जाने वाले हैं एकदम बकायदा पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे बिल्कुल इधर उधर की बातें नहीं पॉइंट टू पॉइंट हर एक डिस्कशन करेंगे थ्योरी का और उसके रिगार्डिंग जितने भी लास्ट के थ्री इयर्स में पी वाई क्यूज़ आएँ वो सारे के सारे प्रॉपरली डिस्कस करने वाले हैं साथ ही थोड़ा सा चेंज और टाइमिंग का सर वो भी आप बच्चों को एक बार बता दीजिए आप पहले तो भाई रिमाइंडर सेट कर लीजिए मैं समझ सकता हूँ आप लोगों का इस समय काफ़ी बिजी शेड्यूल चल रहा है इतने सारे चैप्टर्स का रिविज़न करना है तो कहीं ऐसा ना हो कि एक इंपॉर्टेंट सेशन आपका मिस हो जाए अपकमिंग संडे नाइन्टीन ऑफ मार्च और इस बार मुलाकात होगी डेढ़ बजे क्योंकि मेगा सेशन जैसा कि नाम है मैराथन सारे टॉपिक्स को डिटेल में कवर करने की वजह से शुरुआत तो होती है छः घंटे से लेकिन रिकॉर्ड तोड़ चलते हुए छः से ये कभी कभी दस ग्यारह ग्यारह घंटे ग्यार तक पहुँच जाते हैं और इसकी वजह से हमने देखा है कि काफ़ी लेट नाइट तक ये आवर्स रहते हैं और हमें उम्मीद है कि इस बार भी ये रिकॉर्ड शायद टूट सकते हैं इसलिए हम इस सेशन को थोड़ा जल्दी स्टार्ट कर रहे हैं तो ये सेशन आपका वन थर्टी स्टार्ट होने वाला है तो ऐसा कोई भी स्टूडेंट जिसे वेब ऑप्टिक्स में अगर थोड़ा भी डाउट है तो वो इस सेशन को अटेंड कर सकता है तो मिलते हैं संडे को सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ रिमाइंडर जरूर सेट कर लीजिए क्योंकि आपको बताए वन ऑफ अ हाई वेटेज टॉपिक है फॉर जेई मेन्स लेट्स क्रैक इट थैंक यू